वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कहते हैं सेट ठीक है कलेक्शन पता है किसी चीज का भी कलेक्शन अब कैसे पता चले सेट है कि नहीं देखिए जैसे एक बंदा जैसे कोई किसी ने कुछ पूछा तो एक बंदा भी इसका आंसर वही दे रहा है दूसरा बंदा भी दूसरा बंदा भी इसका आंसर वही दे रहा है तीसरा बंदा भी इसका आंसर वही बता रहा है तीनों का आंसर क्या है एकदम सेम आएगा तो उसी को कहते हैं हम सेट अगर तीनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो वो सेट हमारा नहीं कहलाता है ठीक है अगर जो चीज़ पूरे यूनिवर्स में है कि ये चीज यही है इसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा सेट होता है ठीक है पर्सन टू पर्सन सबका आंसर सेम आएगा वो हमारा सेट कहलाता है ठीक है क्वेश्चन फर्स्ट देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन टेन अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कलेक्शन बताना है होल नंबर का जो टेन से कम हो ठीक है टेन से कम हो टेन नहीं हो टेन से कम मतलब टेन से कम लेना है ठीक है तो अब तो आपको पता है कि होल नंबर क्या होता है होल नंबर जीरो से जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है वो हमारा होल नंबर कल है ठीक है देखिए आप, इस, आप इसका आंसर क्या देंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन से कम बोला तो हम नाइन तक ही लेंगे ठीक है सेकेंड पर्सन क्या बोलेगा जीरो तीनों का आंसर क्या आएगा पर्सन टू पर्सन देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन टेन आपको सबको पूरी आप इस पूरी दुनिया में से किसी से ही पूछेंगे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन टेन बताओ तो सबका आंसर क्या आएगा सेम आएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है एकदम यूनिवर्स से पूरे लिखा हुआ है कि यही होता है ठीक है तो पर्सन टू पर्सन सबका आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो ये हमारा कलेक्शन है सेट है ठीक है तो ये हमारा सेट यस दिस इज सेट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन तो आप लिख देंगे यस दिस इज इज सेट इट वेल डिफाइंड कलेक्शन ठीक है अब देखिए द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया अब देखिए तो ये सेट होगा कि नहीं देखिए इंडिया में हॉकी प्लेयर कई हैं ठीक है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इंडिया बट ये कहीं लिखा नहीं है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है मतलब कोई कभी आगे बढ़ जाते हैं तो वो अच्छा हो जाता है कोई कि यही सेट है कि यही अच्छे हैं ये अच्छे हैं ये अच्छे हैं कहीं लिखा तो है नहीं स्टूडेंट ठीक है आपके हिसाब से कुछ और होगा दूसरे इंसान के हिसाब से कुछ और होगा तीसरे इंसान के हिसाब से कुछ और कोई और हॉकी प्लेयर अच्छा होगा ठीक है तो स्टूडेंट देखिए सब कलेक्शन बनाएंगे कि जैसे दे दिया गया कलेक्शन बनाने को तो आप कुछ और लिखेंगे सबसे पहले नाम किसी और का लिखेंगे फिर दूसरा नाम किसी और का लिखेंगे तीसरा नाम किसी और का लिखेंगे दूसरा इंसान जो आपका दोस्त होगा वो पर्सन टू पर्सन सबका चेंज हो रहा तो ये हमारा क्या होगा सेट नहीं कहलाएगा ठीक है सबका आंसर क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा नो दिस इज नॉट सेट इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ठीक है थर्ड देखिए स्टूडेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बताओ ठीक है देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर में वन टू थ्री फोर है ठीक है फोर क्वेश्चन है ठीक है तो आपको भी पता है दूसरे वाले इंसान को पता थर्ड वाले इंसान को पता है कि इस चैप्टर में चार क्वेश्चन है तो वो भी कलेक्शन यही बनाएंगे चार क्वेश्चन का दूसरा इंसान मतलब बुक में लिख दिया गया है कि कहीं आप दूसरे बुक से नहीं निकाल टीचर ने बोला हो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन का कलेक्शन बनाओ ठीक है चार क्वेश्चन होंगे पांच क्वेश्चन होंगे तो आप भी पांच क्वेश्चन लिखेंगे दूसरा इंसान में पांच क्वेश्चन लिखेगा तीसरा इंसान पांच क्वेश्चन कोई ऐसे तो लिखेंगे कि इस question, इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन चैप्टर चैप्टर में में छह है पांच क्वेश्चन है सबका आंसर क्या होगा सेम आएगा तो पर्सन टू पर्सन सबका आंसर सेम आ रहा था ये हमारा क्या कहलाएगा सेट कहलाएगा तो यस दिस इज सेट इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ठीक है अब देखिए डी वाला द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक अब ये कैसे सेट नहीं होगा डिफिकल्ट चैप्टर कलेक्शन बना कलेक्शन बनाया हमें डिफिकल्ट चैप्टर का इस बुक से ठीक है तो आपके हिसाब से कोई और चैप्टर डिफिकल्ट होगा दूसरे सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मेरे लिए ये है फिर ये है फिर ये है दूसरा इंसान अपने हिसाब से लिखेगा तो तीसरा इंसान अपने हिसाब से लिखेगा आपसे आपके हिसाब से डिफिकल्ट आपके हिसाब से सेट से सबसे डिफिकल्ट होगा लीनर सबसे डिफिकल्ट होगा ट्रिग्नोमेटर सबसे डिफिकल्ट होगा ठीक है एल्जेरा सबसे डिफिकल्ट होगा दूसरे इंसान के हिसाब से कोई और होगा थर्ड पर्सन कोई और लिखेगा तो पर्सन टू पर्सन सब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो पर्सन टू पर्सन सबका इंटरेस्ट दूसरा होता है स्टूडेंट सबका इंटरेस्ट अलग अलग में होता है किसी को कुछ और इजी लगता है किसी को कुछ और डिफिकल्ट लगता है तो चेंज सबका आंसर सब तो सबका आंसर क्या होगा चेंज रहेगा स्टूडेंट तो ये हमारा क्या कहलाएगा सेट नहीं कहलाएगा

आपने उनके नॉवेल का नाम पहले कुछ और लिख लिया दूसरे इंसान ने कुछ और पहले लिख लिया तीसरे इंसान ने पहले कुछ और लिख लिया लेकिन इसमें क्या बोला कि मुंशी प्रेमचंद ही का होना चाहिए तो आपका भी आपने मुंशी प्रेमचंद ही का लिखा है दूसरे पर्सन ने मुंशी प्रेमचंद ही का लिखा है थर्ड पर्सन मुंशी प्रेमचंद चंद का लिखा है ठीक है तीनों का राइटर सेम आ रहे तो ये हमारे कलेक्शन कहलाएगा मतलब बस इतना याद रखिए पर्सन टू पर्सन सबका आंसर सेम आ रहा हो और इस पूरी अब वो चीज जो इस पूरी यूनिवर्स को चेंज नहीं कर सकता है वो हमारा होता है सेट ठीक है तो ये ये भी भी क्या क्या होगा यस यस इट इट इज 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 सेट सेट दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन ठीक है अब देखिए सर टीम इलेवन बेस्ट तो देखिए ए टीम इलेवन बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया ठीक है तो आपके हिसाब से प्लेयर्स कुछ और अच्छे होंगे दूसरे इंसान के हिसाब से कोई और प्लेयर अच्छा होगा थर्ड पर्सन कोई और किसी और का नाम लेगा ठीक है इलेवन बेस्ट क्रिकेटर आप कुछ और लिखेंगे पहले दूसरे पर्सन कुछ और लिखेगा थर्ड पर्सन कुछ और लिखेगा ठीक है सबका नाम अलग अलग होगा ठीक है तो मतलब ये कहीं लिखा नहीं गया स्टूडेंट की यही यही बेस्ट है आपको किसी और कोई और बेस्ट लगता है दूसरे इंसान कोई और बेस्ट लगता है थर्ड पर्सन कोई और बेस्ट लगता है पर्सन टू पर्सन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा ठीक है तो दिस इज नो दिस इज नॉट सेट ठीक है दिस इज नॉट सेट ठीक है अब देखिए जी वाला कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द इज नेम बिगेन विथ हुन विथ लेटर एम अब इसमें बताने एक साल में बारह मंथ आते हैं बारह मंथ में वो लेटर का नाम लिखना है स्टूडेंट जो एम से स्टार्ट होते हैं ठीक है वो मंथ का नाम लिखना है जो एम से स्टार्ट होते हैं अब आपको पता है स्टूडेंट आपको, आपको पता है आपके क्लास में जितने बच्चे होंगे सबको पता है कि एक साल में बारह महीने आते हैं जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जिसमें एम से से स्टार्ट होने कौन कौन से है मार्च और मे आपको ही पता है दूसरे इंसान को पता है थर्ड पर्सन को पता है आपको पूरे क्लास में सबको पता है सबका आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो पर्सन टू पर्सन सबका आंसर सेम आ रहा है तो ये हमारा क्या कहेगा यस दिस इज सेट वो इसको बदल नहीं सकता है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक दो ही मंथ आते जिसमें एमसी स्टार्ट होता है मार्च में सबको यही पता है ठीक है कहीं दुनिया किसी को सबका आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो ये हमारे क्या आएगा सेट ठीक अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल मार्च में मे दिस इज सेट ठीक द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक अब देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक ठीक है इंटरेस्टिंग बुक बोला है तो आपके हिसाब से कोई और राइटर की कोई और राइटर को पसंद होगा आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग बुक कोई और होगी दूसरे इंसान के हिसाब से इंटरेस्टिंग बुक कोई और होगी तीसरे इंसान की इंटरेस्टिंग बुक कोई और मान लीजिए आपको पता है आपको मैथ सबसे ज्यादा पसंद है दूसरे इंसान को हिंदी पसंद है थर्ड इंसान को इंग्लिश पसंद है फोर्थ इंसान को साइंस पसंद है ठीक है तो पर्सन टू पर्सन सबका आंसर क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है ठीक है तो ये हमारा क्या कहलाएगा सेट नहीं कहलाएगा नो दिस इज नॉट सेट ठीक द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास अब देखियो स्ट्रेन इसमें बताना है आपके क्लास के जितने भी शॉर्ट बॉय है तो आप नहीं बता सकते हैं जब तक इसमें स्केल नहीं दिया रहेगा ठीक है स्केल नहीं बना होगा मतलब इसने अगर दिया रहेगा स्टूडेंट वन ट्वेंटी से नीचे तक शॉर्ट बॉय है तो आप बता सकते हैं कौन कौन है दूसरे इंसान बता सकता है थर्ड इंसान बता सकता है लेकिन इसमें कोई स्केल नहीं दिया कि कितने से नीचे तक बच्चे शॉर्ट कहलाते हैं ठीक देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पर नहीं बता सकते सबका आंसर अलग होगा कोई किसी और को शॉर्ट बोलेगा कोई किसी और को शॉर्ट बोलेगा कोई किसी और को शॉर्ट बोलेगा लेकिन अगर स्केल दिया होता है तब क्या कहते हैं वन ट्वेंटी से नीचे वाले बच्चे को अगर आप ए, आप शॉर्ट बोलते दूसरा दूसरा इंसान में वही शॉर्ट बोलता है तीसरा इंसान को वही शॉर्ट लगता है क्योंकि स्केल दिया क्योंकि स्केल से दे दिया गया कि वन ट्वेंटी शॉर्ट बच्चे होते हैं ठीक है वन ट्वेंटी से नीचे शॉर्ट बच्चे होते हैं ठीक है शॉर्ट बॉयज होते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे क्या अगर नो दिस the collection of all short the collection of all short boys of your class 120 तब आप लिख सकते थे तो आपका यह सेट ये सेट कहलाता लेकिन इस जब तक स्केल नहीं दिया है कोई स्टूडेंट तब अभी सेट नहीं कहलाएगा ठीक है अब देखिए जे वाला दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल दो स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एज एक्सीड 15 इयर्स अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 15 साल दे दिया अब अगर यहाँ पे फिफ्टीन ईयर नहीं दिया होता स्टूडेंट तब तो ये हमारा सेट नहीं कराता इसमें बोला स्टूडेंट आपके क्लास में पंद्रह साल से ज्यादा बच्चे कलेक्शन बनाना है तो इसमें द... तो, दे... तो देखिए स्टेट आप इजीली बता सकते हैं कौन पंद्रह साल से बड़ा है ठीक है क्यूँकी इसमें बता दिया गया है कि पंद्रह साल से ज्यादा बच्चे पन्द्रह साल से बड़े बच्चे कलेक्शन बनाना है ठीक है इसमें स्केल दे दिया गया है आसान इजीली ठीक है तो कोई इसको बदल नहीं सकता है कि आप पंद्रह साल से कम है पंद्रह साल कि कि इसमें साफ साफ दे दिया गया कि पंद्रह साल से ऊपर के बच्चे कलेक्शन बनाना है ठीक है ठीक ठीक है इसका क्या यस दिस इज सेट है जिसमें स्केल दे दिया गया है कोई नंबर दे दिया गया होगा तो वो हमारा सेट कराएंगे ठीक है अब देखिए वाला द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता नो दिस इज नॉट सेट कैसे सेट नहीं होगा देखिए कोलकाता में जितने भी लोग होंगे हर इंसान कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है ठीक है तो यह तय नहीं है स्टूडेंट कि यही रिच है ठीक है तो कोलकाता में कौन रिच है कभी कोई ऊपर होता है कभी कोई नीचे होता है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कोई लिस्ट नहीं बना हुआ स्टूडेंट कि यही ऊपर है ये नीचे है ये सबसे अमीर है ये सबसे उसकी ये सबसे रिच है उसके बाद ये है उसके बाद ये है कोई ऐसा लिस्ट नहीं बनाया गया है ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारा क्या होगा ये हमारा सेट नहीं करायेगा ठीक है अब देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन इन कलेक्शन बना लिया की कोलकाता में ट्वेंटी लाख हुआ था ट्वेंटी लैख इन फोर्थ फाइनेंशियल ईयर में टू थाउजेंड सिक्स में सबका लिस्ट बन के आएगा स्टूडेंट ठीक है टू थाउजेंड सिक्सटीन और टू थाउजेंड सेवेंटीन के बीच में जितने भी लोग होंगे जिसका ट्वेंटी लाख फाइनेंशियल जिनका एनुअल इनकम ट्वेंटी लाख है तो इसमें स्टूडेंट स्केल दे दिया गया टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेंटीन के बीच में जिनका एनुअल इनकम ट्वेंटी लैक है उसका कलेक्शन बनाना है तो पूरा लिस्ट बन के आया पूरा लिस्ट बन के आया होगा रहा है ठीक है आप भी वही लिखेंगे इसमें स्केल बता दिया गया टू थाउजेंड सिक्सटीन के बीच में ठीक है थीके? तो यस दिस सेट यहाँ पे उसने रिच पर्सन बताया गया लेकिन ये नहीं बोला गया किस साल में क्योंकि हर साल में इंसान कभी बढ़ता है कभी घटता है ठीक है देखिये स्टेन देखिए तो देखिये ये नो होगा और ये क्या होगा यस दिस इज सेट ठीक है written, Shakespeare, Shakespeare, अब देखिए लास्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग रिटन बाय शेक्सपियर शेक्सपियर ठीक है अब देखिए इंटरेस्टिंग बोल बोलते अगर इसे इंटरेस्टिंग नहीं बोलते द कलेक्शन ऑफ ऑल ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर तो आप भी शेक्सपियर का ही लिखते दूसरे इंसान में शेक्सपियर का लिखता थर्ड इंसान शेक्सपियर का लिखता राइटर क्या होते तीनों के सेम होते तो वो ये yes होता है लेकिन इसे हिसाब से शेक्सपियर का कोई और बुक इंटरेस्टिंग होगा ठीक है दूसरे इंसान के दूसरा बंदा कोई और इंटरेस्टिंग बुक लिखा होगा शेक्सपियर ही के बुक में आपको अलग अलग चैप्टर पसंद आते हैं वैसे ही शेक्सपियर का ही अलग अलग ड्रामा आपको पसंद आता होगा आपको हिसाब से कोई और ड्रामा अच्छा है दूसरे पर्सन के हिसाब से कोई और ड्रामा अच्छा है थर्ड पर्सन कोई और लिखेगा ठीक है तो इंटरेस्टिंग बुक सेम तो क्या करेगा ये हमारा सेट नहीं होगा पर्सन टू पर्सन सबका इंटरेस्ट किसी और वो हमारा सेट कहलाता है ठीक है पर्सन टू पर्सन सबका आंसर डिफरेंट आ रहा हो तो वो हमारा सेट, तो सेट नहीं कहलाता है मतलब पूरी मतलब इस पूरी यूनिवर्स में जो चीज बदल नहीं सकते हैं वो हमारा सेट कहलाता है ठीक है सो स्टूडेंट आई होप आपको सॉल्व में आया हो क्वेश्चन फर्स्ट सो हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन सेकेंड होगा सो स्टूडेंट आई होप आपको सॉल्व में आया हो सो स्टूडेंट इफ यू लाइक मी वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड टू सब्सक्राइब मई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग